क्या मुसलमान होना अब हिंदुस्तान में गुनाह बन गया है? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि गुरुग्राम में दाढ़ी देखकर कहा गया कि तू पाकिस्तानी है, तेरी दाढ़ी कटेगी। जी हाँ, एक मुस्लिम युवा की जबरदस्ती दाढ़ी काट दी गई। साफ ही से मुझको बांध दिया था, ना ही से मारपीट की थी कि तू इसी दाढ़ी को काट, तो उन्होंने मना कर दिया था, उसको भी पीटा और उन्होंने ना ही से मेरी दाढ़ी काटी। हरियाणा में मुसलमानों की दाढ़ी पर खतरा। जबरदस्ती काटी गई मुस्लिम लड़की की दाढ़ी। उन्होंने मुझे कुर्सी पर बिठाया और मेरा साफी से मुझको बांध दिया था। अच्छा। बांधने के बाद मुझे नाई से मारपीट की थी कि तू इसकी दाढ़ी को काट, तो उन्होंने मना कर दिया था, उसको भी पीटा और उन्होंने नाई से मेरी दाढ़ी काट। मुस्लिम लड़की को पाकिस्तानी बोलकर काटी दाढ़ी, तो उन्होंने मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने मुझे पाकिस्तानी कहा, तो पाकिस्तानी इसे दाढ़ी नहीं कटवा। गुरुग्राम में मुसलमानों को दाढ़ी रखना गुनाह है। हरियाणा में मुसलमानों को डर लगता है, बस ये महसूस कर रहे हैं कि नमे क्या हमारा क्या होगा। हम घर से निकलते हैं तो हमें वापसी का पता नहीं चलता, हम वापसी भी होंगे या नहीं होंगे। हरियाणा में अब तो हादी हो गई, दाढ़ी वाले मुसलमानों का घूमना भी गुनाह हो गया है। खट्टर के राज में अब तो सीधे मुसलमानों की दाढ़ी परवार हो रहा है। जी हाँ, इस लड़की के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कीजिए, आपको इसके चेहरे पर दहशत मिलेगी, अफसोस मिलेगा। इसके साथ जो हुआ है ये अपने ही मुल्क में मुसलमान होने का खामियाजा भुगत रहा है। जी हाँ, कल तक जफरुद्दीन के चेहरे पर दाढ़ी थी। कल तक जफरुद्दीन अपने मुल्क में मुसलमान होने पर फख्र महसूस करता था। उसे नहीं पता था कि जिस शहर में वो घूम रहा है वहाँ मुस्लिमों की दाढ़ी से नफरत करने वाले भी घूम रहे हैं। उसे नहीं पता था कि धर्म के नाम पर उसके साथ ज्यादती की जाएगी। जिस मुल्क को वो अपना कहता है उसी मुल्क में उसे पाकिस्तानी कहा जाएगा, सिर्फ इसलिए कि उसके चेहरे पर दाढ़ी है। और तो और, जफरुद्दीन को तो ये भी नहीं पता था कि धर्म के नाम पर नफरत बांटने वाले उसकी दाढ़ी ही साफ करवा देंगे। दुकान पे बाल कटवाने के लिए गए थे जी, वहाँ पे दो बंदे थे पहले ही। अच्छा। तो उन्होंने बाल बनवाने के बाद में मुझसे कहा था कि भाई तुझे अपनी दाढ़ी कटवानी पड़ेगी। मैंने उनसे इनकार कर दिया कि भाई हमारे मजहब मुसलमान में हम दाढ़ी नहीं कटवाते हैं। अच्छा। तो उन्होंने मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने मुझे पाकिस्तानी कहा, तू पाकिस्तानी इसलिए दाढ़ी नहीं कटवा रहा। उन्होंने मुझे कुर्सी पे बिठाया और मेरा साफी से मुझको बांध दिया था। अच्छा। बांधने के बाद मुझे नाई से मारपीट की थी कि तू इसकी दाढ़ी को काट, तो उन्होंने मना कर दिया था, उसको भी पीटा और उन्होंने नाई से मेरी दाढ़ी काटी। जफरुद्दीन के साथ ये वारदात किसी कबीले में नहीं बल्कि उत्तर भारत के साइबर सिटी गुरुग्राम में हुई है। जी हाँ, मनोहर लाल खट्टर का ये वही गुरुग्राम है जहाँ खुले में नमाज पढ़ने पर पिटाई हो जाती है, बिरयानी खाने खिलाने पर भी पिटाई हो जाती है। आज जफरुद्दीन धर्म की नफरत का नया दंश इसी साइबर सिटी गुरुग्राम में झेल रहा है। जफरुद्दीन की दाढ़ी की तरफ बढ़ने वाले चेहरे उसकी आंखों में तैर रहे हैं। जो लड़के थे उनको पहचानते? मैं पहचानता नहीं हूँ जी। उन्होंने अगर वो मेरे सामने आएंगे तो मैं उनको देख लूंगा, पहचान लूंगा मैं उनको। अच्छा। लेकिन मैं उन्हें पहले से नहीं जानता हूँ, वो कौन है। अब तो कार्रवाई का सवाल है, पुलिस के एक्शन में आने का सवाल है। ये घटना गुरुग्राम के खांडसा मंडी इलाके की है। यहाँ जफरुद्दीन अपने एक मजदूर के बाल कटवाने के लिए सैलून में पहुँचा था, लेकिन वहाँ उसकी दाढ़ी के दुश्मन मिल गए और नफरत का उस्तरा लेकर दाढ़ी पर सवार हो गए। सैलून वाले ने मना किया, जफरुद्दीन ने अपनी दाढ़ी बचाने के लिए बहुत जोर लगाया, लेकिन धर्म को खांचों में बांटने वाले और कुछ खास समुदाय से नफरत करने वाले कहां मानने वाले थे। उसे पाकिस्तानी बोला गया और जबरन उसकी दाढ़ी पर उस्तरा चलवाया गया। सूचना मिलने के तुरंत बाद पुलिस ने इसमें एफआईआर रेलिवेंट सेक्शन के अंदर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करने के बाद तीनों आरोपी, जो दो लड़के जिनके साथ झगड़ा हुआ और एक जो बार्बर था, इन तीनों को पुलिस की तरफ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आज इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करेगी और जल्द से जल्द इस घटना में चलान कोर्ट में समक्ष किया जाएगा। अब गुरुग्राम पुलिस इसे आपसी झगड़ा बता रही है और ये भी कह रही है कि इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश न की जाए। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उन पर आईपीसी की धारा 295A, 323, 506 और 34 के तहत मामला दर्ज किया है। हम आपको बता दें कि गिरफ्तार किए गए लड़कों पर पहले भी मामला दर्ज हो चुका है,
लेकिन पुलिस सैलून वाले को मुसलमान बताकर मामले की गोलमोल करने की कोशिश भी कर रही है। ऐसे में गुरुग्राम के मुस्लिमों का कहना है कि वो यहाँ सुरक्षित नहीं है। बस ये महसूस कर रहे हैं कि नाम क्या, हमारा क्या होगा, हम घर से निकलते हैं तो हमें वापसी का पता नहीं चलता, हम वापसी भी होंगे या नहीं होंगे। गुरुग्राम बिल्कुल सुरक्षित नहीं मानते जी, हमारे तो क्या नाम है जो दाढ़ी वाले हैं या कहीं किसी के नाम क्या नाम है पता लग जाए ये दलित है या मुस्लिम है तो उसके ऊपर जबरदस्ती हमले होते हैं और वार होते हैं उसके ऊपर। जफरुद्दीन गुरुग्राम के सेक्टर 29 में एक ढाबे पर काम करता है। गुरुग्राम में हर रोज हिंदू मुस्लिम को लेकर कोई न कोई ऐसी घटनाएं सामने आती रहती है। ऐसे में जरूरत है सांप्रदायिक सौहार्द बनाने की, कानून को सख्ती से लागू। नीरज वशिष्ठ के साथ अरविंद ओझा, गुरुग्राम आज तक।